नमस्कार, आरके कृष्णराज चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज के वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ जीव के विषय में कुछ रोचक तथ्य। जीव की आत्मकथा। तुम मुझे दर्पण के सामने मुंह से बाहर निकाल कर देखते हो और खुश होते हो, दूसरों को चिढ़ाने के लिए भी मुझे बाहर निकालते हो। बुझो तो मैं कौन सा हूँ? जीव ही तो हूँ। हाँ, मैं जीव हूँ, तेज और तीखे 32 दुश्मनों के कैद में बंद जीव। किसी डिबिया में बंद चीज़ की तरह हमेशा मुंह में बंद पड़ी रहती हूँ। कुत्ता ही एक ऐसी जीव है जिसके मुंह से मैं प्रायः बाहर लटकती रहती हूँ। मैं प्रायः हर जीव के मुंह में होता हूँ, किसी के लंबे और किसी की पतली, तो किसी की मोटी तो किसी की छोटी। मैं तुम्हारे मुंह में नहीं हूँ तो चलो एक छोटा सा प्रयोग करके देखते हैं। मुझे अपने मुंह से ज़रा बाहर निकालो और अपनी उंगलियों से मुझे पकड़ लो या हल्के से दांत के बीच दबा दो, फिर बोल कर देखो। तो क्या तुम बोल पाते हो? नहीं ना, इसीलिए मैं साधारण नहीं हूँ। मैं निगलने, स्वाद बताने और बोलने में मदद करने के अलावा एक और काम करती हूँ, वह है दांत दाढ़ की सफाई। मैं मुख में रहकर आपकी दांतों को भी पूर्ण रूप से सफाई करता रहता हूँ, जिससे आपके अंदर आपके दांतों के जर में कोई जो है भोजन का कण न फंसा रहे। निगलने के काम में मेरे सबसे आगे का भाग सख्त तालू से लगा रहता है, पिछला भाग ऊपर की ओर मुड़कर गले की नली में खाद्य सामग्री को ढकेल देता है और यह नली लगभग 9 इंच लंबी होती है। बोलने में मदद देना मेरा एक और महत्वपूर्ण काम है। तुमने अनुभव किया होगा कि जब तुम बोलते हो तो मुझे कितनी ऊपर नीचे कसरत करनी पड़ती है। मेरे स्वाद कलियाँ, अगर तुम माइक्रोस्कोप से देखो तो तुम्हें ये गुलाब की कली की तरह ही लगेगी। जब मेरे ऊपरी सतह पर कुछ जमाव होता है तो कहा जाता है कि पाचन क्रिया में गड़बड़ है। ऐसा सदा नहीं होता। कई लोग जिसकी पाचन शक्ति गड़बड़ होती हैं पर उनकी मैं बिल्कुल साफ होती हूँ, और कई लोग जिसकी पाचन क्रिया ठीक होती हैं फिर भी मुझ पर जमाव मिलेगा। मुझ पर जमाव का कारण होता है भोजन के बारीक कण या टुकड़े। मैं तुम्हारे शरीर का इतनी अधिक सेवा करने वाला हूँ फिर भी मेरा कोई महत्व नहीं। शरीर के अन्य अंगों की अपेक्षा तुम मेरी तरफ कम ध्यान देते हो। मेरा तो कर्तव्य है तुम्हारे शरीर के एक अंग के रूप में सेवा करना और स्वाद बताना। मैं अपना कर्तव्य सदा निभाती रहूँगी। प्रातः दातुन करते समय अपनी उंगलियों से या जीभिया से रगड़ कर मुझे साफ़ करना चाहिए। मैं गंदी रहूँगी तो बोलते समय मेरी गंदगी के कारण तुम्हें शर्मिंदा होना पड़ेगा। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको शीघ्र अतिशीघ्र मिलता रहे। तो अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ पुनः उपस्थित होंगे। बाय।